स्वागत है आपका न्यूज 30 लाइव में। इस वक्त हम मौजूद हैं मरवाही विधानसभा के बूथ क्रमांक 227 ग्राम उमरखोही में। आप देख सकते हैं यहाँ पर मतदान करने के लिए युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बहनें सभी भारी मात्रा में आए हैं। और चूंकि अभी कोविड-19 का समय चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ सभी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर सैनिटाइजर, मास्क, सभी चीज़ों की पूर्ण व्यवस्था है। सभी दूरी बनाकर काम कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से मतदान हो रहा है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फीवर टेस्ट करने के लिए भी सारी व्यवस्थाएं हैं, किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं बरती जा रही है। मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, सारी चीज़ें उपस्थित है यहाँ पर। आइए देखते हैं और क्या हो रहा है यहाँ पर। सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर सर्कल बनाया हुआ है, हाथ धोने की व्यवस्था है, सैनिटाइज करने की व्यवस्था है के साथ यहाँ मतदान हो रहा है। बहुत ही सुंदर तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त हैं उमरखोही ग्राम के सरपंच कांति दीदी। दीदी, अभी तक कितना परसेंट मतदान हो चुका है? अभी तक 50% हो चुका है। क्या लगता है शाम तक कितना परसेंट पूर्ण बहुमत यहाँ पूरा 100% नहीं होगा, लेकिन कुछ बाकी रहेगा, लेकिन 600 से ऊपर पड़ेगा। यहाँ कोई दिक्कत? कुल मतदाता कितने हैं? 765 मतदान है, मतदाता है यहाँ पर। यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, पूर्ण तरीके से अच्छे आराम से मतदान हो रहा है, अच्छे फुर्सत से। कोविड, चूँकि कोविड-19 है तो उसकी सारी व्यवस्थाएं किसके तरफ से की गई हैं? ये शासन की तरफ से किए गई हैं, बाकी चीज़ पंचायतों की तरफ से किए गए हैं। पंचायत कौन कौन सी, कौन क्या क्या पंचायत ने किया है काम? सिर्फ खाने चाय पानी की व्यवस्था भी रखी है। खाना चाय पानी की व्यवस्था पंचायत की तरफ से, बाकी जो भी चीज़ें हैं सारी निर्वाचन आयोग की तरफ से हैं। मेरे साथ हैं ग्राम उमरखोही के एक मतदाता और उप सरपंच, आइए इनसे बात करते हैं। कितना प्रतिशत वोट हो गया अभी तक? 50% हो। आपने अपना वोट डाला? हाँ, मैंने अपना वोट डाला है जी। और क्या क्या व्यवस्थाएँ यहाँ पर चल रही हैं? यहाँ व्यवस्था के नाम पे जो जितने भी हैं अपने सुरक्षाकर्मी हैं, स्वास्थ्य विभाग से हैं और पंचायत विभाग से मास्क वगैरह जितने भी वितरण किए जा रहे हैं अपनी तरफ से, जो भी हो रहा है वो कर रहे हैं। मास्क सभी लोग लगा के जा रहे हैं अंदर में, और जो क्या बोलते हैं हैंड ग्लव्स है, दस्ताने का, उसका प्रयोग कर रहे हैं और सभी शांतिपूर्वक से अपना मतदान कर रहे हैं। आपके गाँव में आपके जो ये बूथ है, आपके बूथ के अंदर में आप उप सरपंच हैं, युवा कितने हैं, महिलाएँ कितनी हैं, बहनें कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं? लगभग 150 से 200 लगभग बुजुर्ग हैं, और युवाएं का जो है तो 150 होंगे समथिंग, और जो महिलाएं हैं पूरे महिलाएं का है, महिलाओं की संख्या है लगभग 300 कुछ प्लस हैं महिलाएं, प्लस जो उनके हैं वो। हाँ, सुबह से आप यहां पर मौजूद हैं, आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा किन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है? अभी सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर महिलाओं ने हिस्सा लिया है, जो गांव के बुजुर्ग और युवा हैं वो भी साथ में है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जहाँ तक 60% महिलाओं का है, तो वहीं 40% बुजुर्गों का ऐसा योगदान है अभी मतदान में। शाम तक आपको क्या लगता है कितना प्रतिशत मतदान हो जाएगा, 100% हो पाएगा? मेरे ख्याल से लगता है शाम तक 100% तो नहीं, लेकिन 70 से 80% का मतदान मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। अभी 50% हो चुका है, तो 30% और कुछ टाइम तक हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से लग रहा है ऐसा। सबसे ज़्यादा भीड़ किस वक्त में आई है? क्या मतदान जब शुरू हुआ है सुबह 7 बजे, उस समय से अब तक में सबसे ज़्यादा भीड़ किस समय पे आई? हम जब 8 से 10 के बीच में मतदान चालू हुआ, तो 8 से 10 के बीच में सबसे ज़्यादा भीड़ जुटी थी, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आ रहे हैं मतदान करने वाले जो मतदाता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं सारी व्यवस्थाओं के साथ यहाँ पर मतदान हो रहा है, किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। प्रशासन एकदम हाई अलर्ट पर है कोविड-19 को लेकर।